हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जॉब्स डायरेक्टर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लेटेस्ट जॉब वैकेंसी फॉर कतार, जिसका डायरेक्ट क्लाइंट इंटरव्यू अप्रैल 2021 में होने वाला है। इसके लिए मैनेजर्स, इंजीनियर्स, सुपरवाइजर्स, टेक्नीशियंस से लेकर लेबर तक का पोजीशन निकला है। हर टाइप का जॉब वैकेंसी अवेलेबल है दोस्तों। सैलरी अप टू 18,000 कतारी रियल यानी 3,60,000 प्लस है, विथ अदर बेनिफिट्स भी मिलेगा। टोटल 3 कंपनी का जॉब वैकेंसी इस वीडियो में मैं बताऊंगा। पहला है ETSWL कतार का जॉब वैकेंसी, सेकेंड है ऑयल एंड गैस जॉब वैकेंसी कतार के लिए, उसके बाद थर्ड जॉब वैकेंसी है एक रेपुटेड बिल्डिंग मेंटेनेंस कंपनी का जॉब वैकेंसी। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, तभी आपको डिटेल्स में समझ में आएगा क्या क्या पोजीशन निकला है, सैलरी के बारे में और इंटरव्यू का डेट। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरा हर एक वीडियो पहले आप तक पहुंचे और आप उसे देख के इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लेटेस्ट जॉब वैकेंसी रिलेटेड वीडियोस का लिंक मैंने डाल दिया है, जिसे कि आप क्लिक करके देख सकते हैं और कौन सा कंट्री के लिए क्या क्या नया जॉब निकला है, जिसे कि आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जॉब नंबर 1। कंपनी का नाम है ETSWL कतार, जिसका डायरेक्ट क्लाइंट इंटरव्यू 8 तारीख को होने वाला है। ऑयल एंड गैस एक्सपीरियंस मस्ट होना चाहिए। तिरची में इंटरव्यू होगा दोस्तों। इंटरव्यू का डेट है 8th अप्रैल 2021। दोस्तों, टोटल 24 पोजीशन निकला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो 1 by 1 मैं आपको कितना आदमी की ज़रूरत है और सैलरी के बारे में सब कुछ बता रहा हूँ। तो पहला पोजीशन है DCS स्पेशलिस्ट इंजीनियर या फिर कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर। 3 आदमी की ज़रूरत है, जिनका सैलरी है 9,000 कतरी रियल प्लस फ्री फूड है। सब पोजीशन के लिए फूड फ्री रहेगा दोस्तों। तो 9,000 कतरी रियल यानी 1,80,000 रुपये इंडिया के हिसाब से। सेकंड पोजीशन प्रोजेक्ट मैनेजर, 3 आदमी की ज़रूरत है, जिनका सैलरी है 16,000 कतरी रियल। उसके बाद है एस्टिमेटर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए, 3 आदमी की ज़रूरत है, जिनका सैलरी रहेगा 9,000 से लेकर 12,000 कतरी रियल तक। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर टैंक मेंटेनेंस के लिए, 3 आदमी की ज़रूरत है, जिनका सैलरी है 18,000 कतरी रियल यानी 3,60,000 रुपये इंडिया के हिसाब से। उसके बाद असिस्टेंट प्लानर, 5 आदमी की ज़रूरत है, जिनका सैलरी है 4,000 प्लस अदर अलाउंस 2,500 कतरी रियल मिलेगा। उसके बाद पेंटिंग इंस्पेक्टर, 5 आदमी की ज़रूरत है, जिनका सैलरी है 4,000 प्लस अदर अलाउंस 3,500। उसके बाद पेंटिंग सुपरवाइजर PTW, 15 आदमी की ज़रूरत है, जिनका सैलरी है 2,500 प्लस 2,000 अदर अलाउंस। उसके बाद स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर, 10 आदमी की ज़रूरत है, सेम सैलरी है दोस्तों। उसके बाद इंसुलेटर सुपरवाइजर, 10 आदमी की ज़रूरत है, उनका भी सैलरी सेम है 2,500 प्लस 2,000 अदर अलाउंस। उसके बाद रिफैक्टरी सुपरवाइजर, 5 आदमी की ज़रूरत है, सेम सैलरी है दोस्तों। उसके बाद क्वांटिटी सर्वर, 6 आदमी की ज़रूरत है, जिनका सैलरी सेम है 2,500 प्लस 2,000 अलाउंस। उसके बाद ड्राफ्ट्समैन, 10 आदमी की ज़रूरत है, जिनका सैलरी है 2,500 कतरी रियल प्लस 1,250 कतरी रियल अदर अलाउंस। उसके बाद है मटेरियल कंट्रोलर, 8 आदमी की ज़रूरत है, जिनका सैलरी है 2,000 प्लस 1,500 अदर अलाउंस मिलेगा प्लस फूड फ्री है। जितना भी पोजीशन निकला है दोस्तों, सबके लिए फूड फ्री है दोस्तों। उसके बाद है फॉर्मिंग मशीन ऑपरेटर, 5 आदमी की ज़रूरत है, जिनका सैलरी है 1,400 कतरी रियल प्लस 200 प्लस ओवर टाइम मिलेगा दोस्तों। उसके बाद PIRCNC कटिंग मशीन ऑपरेटर, 3 आदमी की ज़रूरत है, जिनका सैलरी है 2,000 प्लस 1,000 अलाउंस प्लस फ्री फूड। उसके बाद स्कैफोल्डर्स, 25 आदमी की ज़रूरत है, 1,000 प्लस 200 अलाउंस प्लस ओवर टाइम। उसके बाद स्कैफोल्डर्स इंस्पेक्टर, 5 आदमी की ज़रूरत है, जिनका सैलरी है 4,000 प्लस 3,000 अलाउंस। उसके बाद स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर, 5 आदमी की ज़रूरत है, जिनका सैलरी है 2,500 प्लस 2,000 अलाउंस। उसके बाद स्कैफोल्डिंग फोरमैन या फिर चार्ज हैंड, 15 आदमी की ज़रूरत है, 2,000 प्लस 1,000 अलाउंस है। उसके बाद स्कैफोल्डर्स, 60 कैंडिडेट्स की ज़रूरत है, जिनका सैलरी है 1,100 प्लस 200 अलाउंस प्लस ओवर टाइम मिलेगा। उसके बाद कंस्ट्रक्शन मैनेजर, 3 आदमी की ज़रूरत है दोस्तों, सैलरी 15,000 कतरी रियल यानी 3,00,000 रुपये इंडिया के हिसाब से। उसके बाद रिफैक्टरी सुपरिटेंडेंट, 3 आदमी की ज़रूरत है, जिनका सैलरी है 5,000 प्लस 3,500 अदर अलाउंस है प्लस फूड मिलेगा आपको, या फिर 1,200 या फिर टोटल सैलरी आपका 12,000 हो जाएगा। उसके बाद सेफ्टी ऑफिसर, 15 आदमी की ज़रूरत है, जिनका सैलरी है 2,500 प्लस 2,000 अदर अलाउंस है। उसके बाद मटेरियल कंट्रोलर, 8 आदमी की ज़रूरत है, सैलरी है 2,000 प्लस 1,500 अदर अलाउंस।
तो दोस्तों ईमेल आईडी दिया गया है एजेंसी का, एजेंसी का नाम है मोना कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, जिनका एड्रेस तिरची दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है और ईमेल आईडी दिया गया है। तो ईमेल आईडी में आप अपना डिटेल्स भेज दीजिए, यानी सीवी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जो भी है भेज दीजिए, ताकि आपका नाम शॉर्टलिस्ट कर लिया जाए। उसके बाद जो इंटरव्यू डायरेक्ट है, आप सीधा कॉल कीजिए एजेंसी को, इंटरव्यू का डेट और प्लेस के बारे में कन्फर्म कीजिए, फिर इंटरव्यू देने के लिए जाइए। तो दोस्तों इसके लिए फ्री एकोमोडेशन सबको मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस सब कंपनी की तरफ से फ्री है। एज लिमिट 25 से लेके 45 ईयर्स के बीच में, मिनिमम 5-8 ईयर्स का ऑयल एंड गैस मेंटेनेंस एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, और जीसीसी एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स प्रीफर करते हैं। तो दोस्तों ये हो गया पूरा डिटेल्स, और सेकेंड जॉब वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो सेकेंड जॉब वैकेंसी है, कतार के लिए चाहिए ऑयल एंड गैस ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्सपीरियंस होना चाहिए कैंडिडेट्स के पास, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए टोटल 4 पोजीशन निकला है। पहला पोजीशन है साइट इंचार्ज। साइट इंचार्ज 5 आदमी की ज़रूरत है, जिनका सैलरी है 7000 से लेके 8000 कतरी रियाल, यानी 1,40,000 से लेके 1,60,000 तक। क्वालिफिकेशन बी मैकेनिकल होना चाहिए, मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है HVAC मेंटेनेंस में। उसके बाद HVAC सुपरवाइजर 10 आदमी की ज़रूरत है, सैलरी मिलेगा 3500 से लेके 4000 कतरी रियाल तक। बी या फिर डिप्लोमा इन मैकेनिकल होना चाहिए, 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है HVAC मेंटेनेंस वर्क में। उसके बाद HVAC टेक्नीशियन 60 कैंडिडेट्स की ज़रूरत है, सैलरी मिलेगा 2500 कतरी रियाल। डिप्लोमा या फिर ITI होना चाहिए, 5-10 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद लास्ट पोजीशन है इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियंस, 30 कैंडिडेट्स की ज़रूरत है, 2500 कतरी रियाल सैलरी है, डिप्लोमा या फिर ITI होना चाहिए और मिनिमम 5-10 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फ्री फूड मिलेगा, एकोमोडेशन भी बिल्कुल फ्री है दोस्तों, और ट्रांसपोर्टेशन एंड ओवर टाइम भी अवेलेबल है, यानी आपका ड्यूटी के बाद आप ओवर टाइम भी कर सकते हैं, और जितना भी आपका सैलरी मेंशन किया गया है उससे ज़्यादा भी आप कमा सकते हैं ओवर टाइम के साथ। तो दोस्तों एजेंसी का नाम है रिसोर्स हंटर्स, उनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है और मेल आईडी दिया गया है। तो जो मेल आईडी है दोस्तों उसमें आप अपना CV, सर्टिफिकेट कॉपी, पासपोर्ट कॉपी और फोटो भेज दीजिए, ताकि आपका नाम शॉर्टलिस्ट कर लिया जाए, या कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके एजेंसी से बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जॉब नंबर 3 लास्ट जॉब है दोस्तों, कतार के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है फॉर ए रेपुटेड बिल्डिंग मेंटेनेंस कंपनी, जिसके लिए लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसी निकला है दोस्तों, बहुत सारा कैंडिडेट्स की ज़रूरत है। तो पहला पोजीशन है स्कैफोल्डिंग हेल्पर्स, सेकंड पोजीशन जनरल हेल्पर्स, थर्ड पोजीशन ऑलराउंडर मेसन, उसके बाद विनाइल इंस्टॉलर, उसके बाद वॉलपेपर इंस्टॉलर। तो दोस्तों ये 5 पोजीशन के लिए कितना आदमी की ज़रूरत है ये बताया नहीं गया है, बट लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसी है। अगर आपको अप्लाई करना है, इंटरव्यू देने के लिए जाना है, तो डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए दोस्तों। और सैलरी के बारे में जहाँ तक बात है, ये आपका सिलेक्शन होने के बाद ही आपसे पूछा जाएगा कि आप सैलरी कितना चाहते हैं, तभी आप अपना सुइटेबल सैलरी, एक मैक्सिमम सैलरी पैकेज डिमांड कीजिए दोस्तों। दोस्तों कैंडिडेट्स को 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है, गल्फ एक्सपीरियंस प्रीफर्ड करता है, यानी गल्फ एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छा है दोस्तों, ईजी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एजेंसी का नाम है एम घीवाला ग्लोबल HR कंसल्टेंट्स। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप अपना अपडेटेड CV, पासपोर्ट कॉपी, फोटो और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मेल कर सकते हैं। मेल आईडी दिया गया है mg15@mghiwala.com, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, मोबाइल नंबर और ऑफिस का लैंडलाइन नंबर भी दिया गया है, तो डायरेक्ट कॉल कीजिए, फिर अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। दोस्तों ये हो गया पूरा डिटेल्स, मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसका जो इंटरव्यू का डेट है ये बताया नहीं गया है, तो एजेंसी से आप बात करके इंटरव्यू का डेट जब फिक्स हो जाएगा एजेंसी की तरफ से आपको बता दिया जाएगा, या फिर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। दोस्तों ये हो गया कतार के लिए जॉब वैकेंसी, पूरा का पूरा डिटेल्स में मैंने बता दिया है आपको। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं उनको थोड़ा हेल्प हो जाएगा दोस्तों। वो आपका रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर नेबर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है दोस्तों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल में मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, डेली वाइज जॉब वैकेंसी रिलेटेड वीडियोस, गल्फ जॉब वैकेंसी, यूरोप जॉब वैकेंसी, सिंगापुर का जॉब वैकेंसी, सब जॉब वैकेंसी वीडियो बनाता हूँ। तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए।